आज की मुरली है, चौथ है जो नायक संख्या चल रही थी, पहली पेज के मध्यान्ह बात चल रही थी, तुम आत्माभिमानी बनते हो कि हम आत्मा हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप को पढ़ाते हैं, मनुष्यों का बाप नहीं पढ़ाते हैं, आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, कहते हैं मन शरीरधारी है, मैं तो आत्माओं का बाप निराकार है, लेकिन मुख से कहते हैं मुझे याद करो, माना कोई मुख धारण किया हुआ है और मुझे याद करोगे तो तुम्हारे भीतर विनाश होगा। किसे याद करोगे? तो आत्माओं का बाप है, उस आत्माओं के बाप को जो कहते हैं मुख से, माना निराकार और साकार दोनों को कंबाइंड रूप में याद करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। जैसे निराकार को याद किया तो पाप कर्म भस्म होने वाले नहीं, जितने भी धर्म दिखाए और उनके फॉलोअर्स हुए मनुष्य गुरु के रूप में, वो सारे निराकार को मानने वाले हुए, उनके पाप कर्म रह गए इसलिए उनको सजाएं खानी पड़ी और जीवन मुक्ति नहीं मिली, की दुनिया को नहीं देख सकते। तो ना निराकार को याद करना है, न सिर्फ साकार को याद करना है, लेकिन साकार में निराकार को याद और आत्माओं के बाप को याद करना है। जो आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाते हैं, ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, परमधाम की बात है या साकार सृष्टि की बात है? ऊंच नीचे साकार सृष्टि में होता है। तो ऊंचे से ऊंचे बाप जो ऊंचे से ऊंचे सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे में प्रवेश करते हैं। जैसे कोई भूत प्रेत होते हैं वो सभी में प्रवेश कर जाते हैं क्या? कोई प्रेत आत्मा कोई भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश कर सकती है क्या? नहीं, नहीं कर सकती। उनका भी अपना मुकर्रर रथ होता है, उसी में प्रवेश कर सकते हैं, अपना अपना घोड़ा होता है, जैसा जैसा व्यक्ति वैसा वैसा उसका फर्नीचर, वैसी वैसी उसकी सवारी। सुप्रीम सोल तो सबसे ऊंचा है, सब आत्माओं से ऊंचे पार्टधारी है और ऊंची से ऊंचे पार्टधारी हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके बताता है मुझे याद करो, उन्हें याद न करो, इसे याद न करो, इसे याद करो, मुझे याद, इसे माने ब्रह्मा को याद नहीं करो, उन्हें माने उन धर्म पिताओं को याद नहीं करो। वो कोई पढ़ाते हैं कोई नॉलेज फुल है और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते हैं, हम इस सृष्टि के आत्मध्यत्व को नहीं जानते। या तो कह दिया मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म लेती है, जो दुर्लभ मनुष्य जन्म होता है। अब 84 लाख योनियों का चक्कर बता देते हैं तो कोई पूछे नहीं, हिम्मत भाई नहीं करें। बाप कहते हैं 84 लाख योनियां तो है लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। हाँ, मनुष्य 84 लाख योनियों जैसे कर्म कर सकते, वैसा काम वैसा नाम धारण कर सकते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में आत्मा मनुष्य की नहीं जाती। जो बीज जिस जाति का होता है
वो उसकी जाति के वृक्ष को जन्म देता है। ऐसे नहीं कि आम का बीज बबूल का वृक्ष बन जाएगा, नहीं। आत्मा मनुष्य आत्मा है, तो मनुष्य आत्मा जब कभी भी जन्म लेगी तो मनुष्य का जन्म लेगी, मनुष्य का धार रूपी चोला तैयार होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य आत्मा अच्छे कर्म करे तो मनुष्य से देवता बन जाए, और बुरे कर्म करे तो मनुष्य से नीचे उतर कर राक्षस बन जाए। जानवर जैसे जानवर से भी बदतर कर्म करने वाले बन जाए। तो रूहानी बाप आकर के रूहों को पढ़ाते हैं, दे अभिमानी सांडों को नहीं पढ़ाते हैं क्या? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए, तो जो ब्राह्मण रचे गए वो पहले क्या थे? ब्राह्मण बनने से पहले क्या थे? शूद्र थे। शूद्रों को नहीं पढ़ाते हैं क्या था? को ज्ञान देकर ब्रह्मा पढ़ाता है, बाप बाप नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को फिर बाद में ज्ञान देती है, तो डबल मशीनरी हो गई। एक शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की मशीनरी कब से कब तक चली? 36 से लेकर के और 69 तक चली, 18 जनवरी सूत्रों को ज्ञान दे करके क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। नंबरवार को सात अनुसार पवित्रता को धारण करने वाले ब्राह्मण बने। ब्राह्मण भी दो प्रकार के बने, एक मुखवंशावली और दूसरे मुखवंशावली। एक वो ब्राह्मण जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की कोख से ज्यादा प्यार बोध का सुख लिया, शरीर का सुख लिया, उन्होंने मुरली की तरफ ध्यान नहीं दिया, और दूसरे वो ब्राह्मण जिन्होंने देह की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा की वाणी से सुन रखा है इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, अगर चित्र भी रखेंगे तो भी पति पत्नी बने। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का पूजन नहीं होता, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, क्या कारण? क्योंकि वो अधूरी मशीनरी का काम हुआ, सिर्फ शूद्रों को ब्राह्मण बनाया गया। नंबर वार उसमें भी मुखवंशावली बन गए, ढेर के ढेर और थोड़े से बन गए मुखवंशावली। जो मुखवंशावली बने उनमें भी नंबर वार नौपुरी के ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मणों की नौकुरियां लाई हुई है भक्ति मार्ग। कश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र कहते हैं ना, काश्य मना तेज, जो याद का तेज है, पान पीने वाला, याद के तेज को पीने वाला गोत्र। अथवा ऋषि, क्योंकि याद है सर्वोपरि, आत्मा में पावर भरने के लिए याद ही सबसे पहले। लेकिन याद किसको करे? यहां तो कह दिया मुझे याद करो, जो कहने वाला है वो सुप्रीम सोल है, जिसके द्वारा कहता है वो मनुष्य शक्ति का पिता है। उन दोनों को अगर पहचान करके उस निराकार को साकार में याद किया, किसी दूसरे की याद बीच में मिक्स नहीं होने दी,
विचार याद नहीं होने दी, अभी विचार याद नहीं अगर मत है तो एक सेकंड भी वो याद बहुत पावरफुल काम करता है। सिर्फ मुझे याद करो, मां में कम याद करो, कोई दूजम याद न करो, ये शर्त है। अगर इस शर्त को तोड़ा तो पाप कर्म भस्म होने की गारंटी नहीं है, हो सकता और ही ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पाप आए है दीवारें बनाने के लिए, आपने बेचारी दुनिया बनाने के लिए, और बच्चे बेचारी आदमी में बैठे तो कौन सी दुनिया बनेगी? बेचारी दुनिया बनेगी, सिवाय नहीं बनेगा, क्या बनेगा? बैठ जाएगा। अपने अपने अंदर देखना चाहिए, 24 घंटे में हम कितनी बेचारी याद में रहते हैं और कितना अभी बेचारी याद की प्रैक्टिस की है। जितना आप व्यभिचारी याद की प्रैक्टिस में टिकते जाएंगे उतना आत्मा सुख शांति का अनुभव करती जाएगी। जैसे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया, कहते हैं रूहों को पढ़ाता हो शूद्र देह अभिमानी होते हैं, वो रूह को याद नहीं कर सकते। शूद्र जब ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने तो रूह को और रूहानी बाप को याद कर सकते। रूहानी बाप भी दो रूपों में है, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु शिव का नाम शिव ही है, वो शिव नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है, दादा एक राज के तन में प्रवेश करते हैं तो नाम ब्रह्मा हो जाता है, कोई और दूसरे तन में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा हो सकता है या और कोई ब्रह्मा हो सकता है। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। अब कौन सा ब्रह्मा है? ब्रह्मा नाम तो बहुतों के गाये हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा से एक ही गाया हुआ, तो मुकर्रर से एक होगा या अनेक होंगे? मुकर्रर एक, मुकर्रर में मुझे याद करेंगे तो एक रूप को याद करने से अभी विचारी याद बने, अनेकों ब्रह्मा को याद करेंगे तो विचारी याद हो जाती। ये कार्य कर दिया, चतुरानन को याद नहीं करना, एक को याद करना। रूह जो बने होंगे वो याद करेंगे, जिनने जिन्होंने आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस नहीं की होगी देहधारी ब्रह्मा को याद किया होगा तो देह के संग से देहवाणी बनेंगे, आत्म की स्मृति नहीं टिक सकती। जिनकी आत्म की स्मृति नहीं टिकती है उनको बहुत घाटा हो जाता है। आत्म की स्मृति किसकी नहीं टिकेगी? हम ब्राह्मणों के बीच में कौन से ब्राह्मण है जिनकी आत्म की स्मृति नहीं टिक पाती, जिन्होंने श्रीमत की भर खिलाफी की? कौन सी श्रीमत? ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। जब ब्रह्मा का ही चित्र नहीं रखना है तो ब्रह्मा के जो ब्रह्मा वस्त्र हैं, दीदी दादी दादाएं या कोई भी ब्राह्मण, उनका चित्र रखना है, कोई का भी चित्र नहीं रखना। अगर कोई भी चित्र रखा, दिल में बसाया, आंखों से देखा तो याद जरूर रखना, उसी चीज आंखों से देखी जाती है याद आती, तो व्यभिचारी याद बनेगी, आप व्यभिचारी याद बनेगी, व्यभिचारी याद बनती है। इसलिए अभी एक भी आत्मा ये अनुभव नहीं कर पा रही है कि हमको नंबर वार मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिल चुका है। मुक्ति अर्थात दुखों से मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात जीवन भी रहे और जीवन में रहते हुए
दुख शांति का अनुभव न करें, सुख शांति का अनुभव करें। दुख की बातों में से भी सुख की बात निकाले। ड्रामा के हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुखदायी समझे। ड्रामा कल्याणकारी है, कोई भी हालत में ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। जब ऐसी स्टेज बन जाएगी तो आत्मा जीवन मुक्ति का अनुभव है। लेकिन वही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो रूहानी स्टेज में टिके हुए होंगे। इसलिए मुरली में बोला था, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट वापस लिए है ना। जिस समय ये वाक्य बोला था समय किसके द्वारा सीख रहे थे? माँ के द्वारा। बीच में मीडिया माँ थी, बाप डायरेक्ट नहीं था। अब वो प्रैक्टिस जो उस समय सिखाई गई कि आत्मा ज्योति बिंदु है, बेसिक नॉलेज में बताया गया आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, उस स्वरूप में जो टिकेंगे तो प्रैक्टिस निराकारी स्टेज की पड़ जाती। निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस जिनकी जिनकी पड़ती गई वो बीज रूप स्टेज में टिकने के कारण सूक्ष्म स्टेज को धारण करते गए। मन बुद्धि सूक्ष्म हो गई और जिन्होंने देहधारी ब्रह्मा को याद किया, ब्रह्मा की बोध को याद किया, उनकी स्थिति सूक्ष्म स्टेज नहीं बनी। आत्मा रूपि सुई की सारी तक नहीं उतर पाई और न उतर पाने के कारण बीच में ही उनको शरीर छोड़ना पड़ा। जैसे कोई याद करेंगे वैसा ही संतधारे में लगेगा और वैसी ही गति होगी। उस कथा कथित ब्राह्मणों की जो कुक को याद करते रहे, कुक माना गोध, ब्रह्मा की गोध ही जिनको याद आती रही, वो याद करने वालों की वही गति हो रही है जो ब्रह्मा की गति। क्या हुई ब्रह्मा की गति? अकाल मौत में से छोड़ना पड़ा। मम्मा को भी कैंसर से शरीर छोड़ना पड़ा तो सदगति नहीं कहेंगे, अंत मते दो गति होगी। ऐसे स्वरूप को जिन्हों जिन्होंने भी याद किया उन तथाकथित दीदी दादी दादाओं का भी कोई असर हो रहा है। अब हम बच्चों को ज्ञान की गहराई को पकड़ना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ना ब्रह्मा के चित्र रखना है। कोई कहे ये हम तो ग्लानी करते हैं ब्रह्मा की, ग्लानी करने की बात नहीं, हम तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र लगाया हुआ है तो ग्लानी कैसे होगी? ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य हुआ है वो कार्य श्रेष्ठ हुआ, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उसको कहा जाता है जो एक बार कार्य शुरू कर दे तो बीच में न रोक दे, कार्य पूरा करके हटे। लेकिन ब्रह्मा के जो वत्स से उन वत्सों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी और ब्रह्मा के हाथ फेल होने के निमित्त बन गए। ब्रह्मा बाबा तो बहुत ही कोमल दिल के थे, कोमल दिल को हाथ पर दुख पहुंचाने वाले बच्चों ने उनको वो स्टेज नहीं बनाने दी जो बनानी चाहिए। कारण क्या था? अनेक धर्मों से आई हुई दूसरे धर्मों की आत्माएं ब्राह्मण धर्म में घुस गई, एक पुरी के ब्राह्मण नहीं थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं थे। कोई इस्लाम धर्म से आने वाली, कोई बौद्ध धर्म से आने वाली, कोई क्रिश्चियन धर्म से आने वाली, कोई आर्य समाजियों से आने वाली, तो नीचे से नीचे धर्मों में से आने वाली आत्माओं ने ब्रह्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, माँ के स्वरूप को नहीं पहचाना, तो शिव बाबा को तो पहचानने की बात हो ही नहीं सकती। शिव को न पहचाना तो न खुद का कल्याण कर सकते, न दूसरों का कल्याण कर सकते। ऐसी आत्माएं देवभान में अब तक भी डटी हुई, देवभान इतना चढ़ा हुआ है कि न सच्ची बात को सुनना चाहते हैं और न दूसरों को
सुना नहीं दे बच्चा वो उसी कुल की आत्माएं हैं जो ईश्वरों की बात बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं करती खुदा की इबादत में जब बैठेंगी तो कान बंद कर लेंगे सिर्फ अल्लाह मियां को याद करना अल्लाह हू अकबर दूसरे की कोई बात नहीं सुनती अरे मनुष्य है हम तो ब्राह्मण बन चुके हम तो नारा लगाते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई वो आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ कब चला गया वो पाठ हमने पढ़ा उसका कोई असर नहीं हुआ चीत बनाई दिए क्या बनाए हम है आत्मा तुम हो आत्मा आपस में भाई भाई अरे भाई भाई आपस में और आपस में एक दूसरे की बात न सुने एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए तो ये कौन सा धर्म हुआ कौन सा धर्म हुआ औरंगजेब के जमाने को याद करो मुस्लिम धर्म में ऐसे लोग हुए हैं जो भाई भाई की हत्या कर देते थे और बाप को उठाकर जेल में डाल देते थे ये प्रैक्टिकल हो रहा है क्या प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही है ये प्रैक्टिकल शूटिंग में निमित्त तो कौन कौन बनते हैं कौन इस्लाम धर्म के बनने वाले हैं कौन सूर्यवंशी बनने वाले हैं कौन चंद्रवंशी बनने वाले हैं और कौन कौन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं या संन्यास धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं वो सारे कह रहे हैं अभी प्रत्यक्ष होने का टाइम है लेकिन वो प्रत्यक्षता पहले होगी उनको जो आत्म की स्टेज को धारण करते जैसे बड़े बच्चे होते हैं और परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं तो अपने स्वरूप को और अपने बाप के स्वरूप को अपने भाई बहनों के स्वरूप को और परिवार के जो भाती हैं उनके स्वरूप को बड़े पहले पहचानते हैं या छोटे पहले पहचानते हैं पहले बड़े बच्चे पहचानते हैं यहाँ भी ब्राह्मण परिवार है इस परिवार में बड़ा और छोटा कौन है बड़े और छोटे का मेजरमेंट क्या है जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ज्ञान माने जानकारी काहे की जानकारी अपने आत्मिक स्वरूप की जानकारी अपने बाप की जानकारी और ड्रामा की जानकारी ड्रामा के आदि मध्य अंत की जानकारी जिनको ये जानकारी जितनी जाती है वही ज्ञानी की आत्मा है ज्ञानी कहो जानी कहो जानी जानन हार कहते हैं ना तो जानने से ही जनता पार्टी बनी वो तो बाहर की दुनिया की बात है बाहर की दुनिया में भी 76 में जनता पार्टी बनी थी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेहद की जनता पार्टी बनी थी वो जनता पार्टी का एजुकेशन भी जयप्रकाश नारायण से गुजरात में शुरू हुआ और ये एडवांस नॉलेज का भी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ गुजरात अहमदाबाद से शुरू हुआ तो बाहर की दुनिया में जो जो चल रहा है वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसका हक पड़ता है या ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग हो रही है उसका बाहर की दुनिया में हक पड़ता है तीन दुनिया बन गई एक 500-700 करोड़ की दुनिया एक आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया बेसिक नॉलेज वालों की और तीसरी बीज उपात्मों की दुनिया जो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं भले नौकरी के ब्राह्मण है लेकिन पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ते हैं कोई थोड़ा समय पढ़ते हैं कोई ज्यादा समय पढ़ते हैं कोई आज से लेकर के अंत तक डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने के निमित्त जो आज से लेकर अंत तक एक बाप की ही बात सुनेंगे कोई दूसरे की बात नहीं सुनेंगे वो कौन से वंश में जाएगी सूर्य वो अपनी परवाह नहीं करेंगे कि हमारे सितारे की भी रोशनी दुनिया में चमकनी चाहिए वो सितारे अपनी रोशनी को ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में मर्ज करके रखेंगे वो अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते जो दूसरे धर्म वाले हैं या किसी संसार से प्रभावित है
वो शो करेंगे कि हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, अपने तीन चित्र छपा देंगे कि हम हैं त्रिमूर्ति, बड़े बड़े पोस्टर बनवाए देंगे पब्लिक से भीख मांगे हुए पैसे के आधार पर, लेकिन सूर्यवंशी इन बातों में घबराएंगे। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध तोड़ दिया। बाप का क्या विरुद्ध है? सन सोर फादर और फादर सोर सन। माने माला के मणकों को बाप भले प्रत्यक्ष करे, लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने स्वरूप को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष नहीं करें, अपने मुख से नहीं करें, कहेंगे कि मेरा ये पार्ट, अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करें, दूसरे भर करें और बाप करें, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करें। तो चित्र छपाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, अपने ही चित्र अपने आप छपाए दिए जाए, सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा धर्म का ग्रुप है जो बहुत ही अपने फोटो छपाता है? है? और आज समाज फोटो छपाते हैं, वो तो डिग्री कर छपाते हैं। अरे बाहर क्यों जाते हो? है? ब्रह्मा के बच्चे ही अपने चित्र छपाते हैं और ज्यादा प्रत्यक्ष करते हैं। ब्रह्मा के भी इसलिए छपाते हैं कि ब्रह्मा के छपाएंगे तो हमारे भी छपाने का मौका मिलेगा। ये चित्र छपाना, अपना फोटो छपाना, अपने को प्रत्यक्ष करना, ये भारतीय परंपरा नहीं, ये विदेशी परंपरा है। शो करना, अपने को प्रत्यक्ष करना नहीं, सच्चाई होगी वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है, सच्चाई को प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं। अपने पार्ट को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं करना, ये सूर्यवंशी बच्चों का काम। एक तो सिर्फ ज्ञान सूर्य बाप ही है, ये वही है एक जो स्वयं आकर के अपने बच्चों को अपना परिचय देता है, उसका परिचय और कोई बच्चे नहीं दे सकते। इस बात में बाप को फॉलो नहीं करना, बाप का जो डायरेक्शन है सन सोर्स फादर, बच्चों का काम है बाप को प्रत्यक्ष। जो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट अभी कार्य कर रहा है उस कार्य को संसार के सामने प्रत्यक्ष करें, वो त्रिमूर्ति पार्ट है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, एक मूर्ति शिव नहीं कहा जाता, ये ब्रह्मा की मूर्ति से शिव प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं, तीनों मूर्तियां चाहिए। जब तीनों ही मूर्तियां संसार में बुलंद होंगी, तीनों मूर्तियों का कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र का झंडा संसार में बुलंद होगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्यों? एक मूर्ति के द्वारा क्यों नहीं, जब ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा क्यों नहीं? अभी तो जो पोस्टर छपाए जा रहे हैं उसमें ब्रह्मा की मूर्ति को भी गुम कर दिया। गुलजार दादी का चित्र छपाया जाता है, कुमारका दादी का चित्र छपाया जाता है और जानकी दादी का चित्र छपाया जाता है, ये त्रिमूर्ति हो गई और ऊपर से बाबा का ज्योति बिंदु का चित्र बना दिया जाता है। ढेर सारे चित्र दिल्ली में छपाए दिए गए, पोस्टर के पोस्टर देखे। हाँ जी, हम दिल्ली में चला, ये आर्टिफिशियल बातें जो है वो आर्टिफिशियल दुनिया बनाती है। ओरिजिनल जो त्रिमूर्ति है उसको छुपा दिया गया और नकली को प्रत्यक्ष कर दिया गया, वो भी पब्लिक के पैसे, अपने पसीने की कमाई से नहीं, दूसरों की पसीने की कमाई से अपने को प्रत्यक्ष किया। ये है विधर्मियों का काम, विदेशियों का काम। भारतवासी आत्माएं तो ज्ञान और योग को गुप्त रखती है,
यादगार है। जो भी ऋषि मुनि सन्यासी हुए वो जंगल में जाकर के तपस्या करते रहे, जंगल में जाकर के आश्रम बनाते रहे, शहरों में नहीं, गुफा में बैठ करके तपस्या की। तो ज्ञान योग को प्रत्यक्ष करने की दरकार नहीं है। हुजूम के हुजूम को इकट्ठा करके और उनको ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं। सुनते ये इतने बड़े हाल में ये हुजूम क्यों इकट्ठा कर लिया? ये तो परिवार के बच्चे, इन परिवार के बच्चों में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने ये स्वीकार नहीं किया हो कि हम परिवार के भांति नहीं है, प्रैक्टिकल में हम भांति। इसलिए मुरली में बोला हुआ है एक एक आत्मा को बैठ करके समझाना चाहिए। एक को बैठ करके एक समझाएगा तो दृष्टि का कोर्स अब भी विचारी मिलेगा, वाइब्रेशन का कोर्स अब भी विचारी मिलेगा और वाचा का कोर्स भी अब भी विचारी मिलेगा। दो या चार इकट्ठे बैठे होंगे तो वो अपना प्रश्न करेगा, वो अपना प्रश्न करेगा, दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो सरणी टूट जाएगी, धारा टूटेगी और वो अभी भी चारी ज्ञान नहीं रह जाएगी। इसीलिए मुरली में बताया एक बैठ करके एक को समझाए, माताएं कन्याएं बैठ करके माताओं कन्याओं को समझाएं, भाई लोग बैठ करके भाइयों को समझाएं। क्यों? बाबा ने तो कहा माताओं को कलश दिया है, माताओं को कलश दिया है इस बात के लिए कि ज्ञान अमृत बांटे, ज्ञान अमृत बांटने की निमित्त बने, है ना? गीता पाठशाला की इंचार्ज भाई नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए? माता होना चाहिए। यहाँ तो एडवांस नॉलेज में ज्यादा सुनाने की भी बात नहीं रह गई, सिर्फ संदेश माउथ टू माउथ देना होता है, तो संदेश इकट्ठे को नहीं दे सभी, 10-20-50 को इकट्ठा संदेश देंगे उनमें एक कौआ निकलेगा तो वो जाकर के शिकायत कर देगा अपने गुरु जी से और वो सारा काम बिगाड़ देगा। बात कहते हैं अब ये ढकोसला बंद करो, क्या ढेर सारी पब्लिक को इकट्ठा करके उसको ज्ञान देने की प्रवृत्ति जो है वो कलयुग की गुरुओं की है, भारत की ये परंपरा नहीं है। एक बैठ को एक को समझा फिर रूहानियत की स्टेज बढ़ेगी, जो ज्ञान लेने वाला है वो ज्ञानी की आत्मा बनेगी, रूहानी आत्मा बनेगी कि बुद्धि में आगे विचारी ज्ञान करेगा। इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनता है। जितना जितना हम दूसरों से डिस्कस करते जाते हैं और दूसरों की बातों को ग्रहण कर लेते हैं, मुरली से टैली नहीं करते कि बाबा ने क्या कहा, तो उतना हमारे अंदर व्यभिचारी ज्ञान चलता चला जाए। जितना व्यभिचारी ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा उतना हमारे अंदर संशय बुद्धि पैदा होती जाती, संशय बुद्धि विनश्यते। और एक बात की जबान पर निश्चय विश्वास करने वाले विजय, विजय वक्त बनना है तो एक से सुनना है और ऊंचे से सुनना है, दूसरों की बात सुनना है वो ठीक, मुसलमान नहीं बनना है लेकिन जो भी सुने वो तैयारी करना है, राइट है या रंग। ये साफ मुरली में बोल दिया, ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसको भी जज करना है कि वो राइट है या रंग। तो ब्रह्मा कुमारी जोनल इंचार्ज की हो सकती है, सारे हिंदुस्तान की इंचार्ज भी ऊपर करके बैठ सकती है और विदेशों की भी इंचार्ज हो सकती है, अंधश्रद्धा नहीं धारण कर लेना है। इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी है तो ब्रह्मा कुमारी था तो जज करना है, जो भी बोला वो राइट बोला या रंग बोला,
इस तरह बाबा की वाणी को सामने रख करके अगर हम कैरी करते जाएंगे तो हमारी बुद्धि में बाबा ही बाबा बैठेगा, कोई दूसरा देहधारी नहीं बैठेगा। बोला है जो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का होगा वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जाने सके क्या, वो किसी की बात नहीं सुनेगा ही नहीं, एक कान से फालतू बात सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, तैयारी करेगा। ये मुरली के अनुसार बात है या नहीं? अगर दूसरे धर्म की होगी ये तो पूर्व जन्म का ही हिसाब किताब यहाँ शरीर में घूम रहा है। पूर्व जन्म में जिन जिन आत्माओं ने दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातों को सुना होगा वो यहाँ भी उनके आधारभूतों की बातों को सुनेगी। दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माओं की बातों को सुनने में ज्यादा रस लेगी और बाप को भूल जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं रूहों को पढ़ाता हूँ, जो रूहानी स्टेज में रहते हैं उनको पढ़ाता हूँ। रूहानी स्टेज में रहेंगे तो रूह सुप्रीम रूह से कभी दूर नहीं है। आत्मिक स्थिति परमात्मा पाप से कभी दूर नहीं। बोला वो ऋषि मुनि ने कहती है हम सत्य के आज मत को नहीं जानती, तुम बच्चे ऐसे नहीं कह सकते। अगर कहते हो तो इसका मतलब अभी पूरा ज्ञान धारण नहीं। चलो ज्ञान की मुरली पढ़ी है, दूसरों को सुनाई है, लेकिन मनन चिंतन मंथन में अभी नहीं लाई। ज्ञान सुनना सुनाना एक बात और ज्ञान को समझ करके मनन चिंतन मंथन करके और दूसरों को बाद में सुनाना वो दूसरी बात हो जाती। ज्ञान सुन लिया वो है पानी, दूसरों को सुना दिया वो भी है पानी। जैसे वेद सुनाने बच्चे तुलसीदास गुरुदास के पद कबीरदास के दोहे रखते हैं और दूसरों को सुनाते हैं कि गुड़िया क्या है पता नहीं होता। जब कोई बच्चे बड़े होते हैं गहरी नॉलेज लेते हैं एडवांस नॉलेज लेते हैं तो उनकी गहराई को पकड़ते हैं। तुम बच्चे भी जो मुरली का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से बाबा ने दिया वो ज्ञान मुरली है, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं है। अमृत निकलता है बिलोने से मंथन करने से। तो जब तक उसे मुरली का मनन चिंतन मंथन नहीं किया है तब तक वो अमृत नहीं बन सकता, मक्खन नहीं बन सकता। कृष्ण ने मक्खन खाया, कृष्ण और बलराम ने क्या खाया? मक्खन। मक्खन खाया। तो मक्खन बनाना है मनन चिंतन मंथन से और मक्खन ही खाना है और दूसरों को भी मक्खन पिलाना। पानी पिलाने से गति संगति नहीं होगी। क्या करते मुरली नहीं मिलती हमारी मुरली बंद हो जाएगी। कहते हैं ना कि अगर हम तुम्हारी बातें सुनेंगे, दीदी दादियां भी कहती है तुम्हारी बात है सब अच्छी है ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी बातें अगर हम सुनेंगे तो दीदी दादी हमारी मुरली बंद करते। अरे वो मुरली तो कागज की मुरली है, कागज की मुरली को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जा सकता। गीता ज्ञान अमृत तो तब बनता है जब वो मनन चिंतन मंथन करके दूसरों को सुनाया जाता है, सार निकाल करके दूसरी आत्मा के सामने रखा जाता है। वो एडवांस पार्टी के द्वारा कंसेप्टर से त्रिनेत्री के द्वारा दिया जाता है। तीसरा नेत्र है बुद्धि का नेत्र, मन और बुद्धि से ही मनन चिंतन मंथन किया जाता है। वो मन का उपयोग अगर न करे तो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं कहा जाता। मनुष्य की कैटेगरी में कौन कहा जाएगा? जो मनन चिंतन मंथन करे वो मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है, मनुआ ये मूर्ति है ना, उन तीन मूर्तियों में एक मन है, बुद्धि है और तीसरी संस्कार शक्ति।
तो जो मन है उस मन को चलायमान करना चाहिए, गतिमान बनाना चाहिए। मन अगर गतिमान नहीं है, पत्थर है और उसमें जाल नहीं है तो वो मन से नहीं। जानवर में मनुष्य पर क्या होता है, क्या फर्क फर्क होता है? हाथ पाँव नाक का काम जानवर वो भी होते हैं, मन बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। कोई कोई जानवर होते हैं थोड़ा थोड़ा नंबरवार उपयोग करते भी। उन जानवरों का फिर मिसाल दिया जाता है, हाथी रूपी महारथी, क्या हाथी रूपी महारथी मतलब कैसा होता है, चौड़ा मतलब होता है। कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, माने बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान धारण करने की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन देवान बहुत ज्यादा होता है। आंखों में मन बहुत बड़ा हुआ होता है महारथी, लेकिन आंखों की वृत्ति अच्छी नहीं होती तो कहते हैं देवान भरी आंखें हैं, दृष्टि है, उस दृष्टि से कभी शक्ति नहीं सुधर सकती। जो रूहानी दृष्टि है उस शक्ति को सुधार सकती, और रूहानी दृष्टि 100% एक ही है। एक आता है आप समान बनाता है, पहले कितनों को आप समान बनाता है, वो तो एक एक है ही बनाने वाला, आपको बनाने वाला। जो अग्रदेव है वो नवरत्न नवग्रह के रूप में आज भी पूछे जा रहे हैं, वो नौ नौ धर्मों का कल्याण करने वाली विशेष आत्मा है। सिर्फ अपने अपने धर्म का कल्याण करने वाली नहीं है, वो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, वो भेद पैदा करने वाली आत्मा नहीं है। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के किसी एक धर्म में कन्वर्ट हो जाते, में लड़ाई लड़ते लड़ते बाप के साथ आखिरी जन्म में जाकर के कोई न कोई के चम्बे में आ जाते और डबल विदेशी बन जाते। डबल विदेशियों की पूजा उनके मंदिर उत्तर भारत में नहीं बनते, कहीं देखे नहीं? आपने देखो कि मंदिर कहीं भारत में बने हुए देखे नहीं? देखे दक्षिण भारत में बने, दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां भी बनती है। क्यों? कारण क्या है, क्या कारण है, है? वो डबल विदेशी भारत के विदेश से प्रकट हुए, भारत के विदेश में आखिरी जन्म में वो आत्माएं जाकर के पहुंचती है और वहां से बाप को प्रत्यक्ष करती। उत्तर भारत वाले ज्यादा होशियार हुए या दक्षिण भारत वाले ज्यादा होशियार हुए? क्यों? आठ लोग की पूजा करना ज्यादा अच्छा है या एक की पूजा करना ज्यादा अच्छा है? एक राम को मानने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हुए या अनेकों को मानने वाले ज्यादा श्रेष्ठ हुए? एक को माने वो ज्यादा श्रेष्ठ, इसलिए वो दक्षिण भारत से देर की देर आत्माएं निकल तो रही है लेकिन भाषा भाषा को नहीं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। बाप की भाषा जो बच्चों की भाषा होनी चाहिए, अगर माता पिता की भाषा नहीं है तो मातृभाषा भाषी बच्चा नहीं कहा जाता। जो भी बच्चा पैदा होता है तो यही कहा जाएगा कि अगर उसकी मातृभाषा नहीं है तो कोई दूसरे ने पाला है, क्या अपने माँ बाप का पाला हुआ नहीं? जन्म तो माँ बाप से हुआ है लेकिन पालना दूसरों से। तो राम कृष्ण के बीच में इसके लिए प्रसिद्ध है कि पालना दूसरे ने की और जन्म दूसरे ने दिया है। कृष्ण के लिए ये बात है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि कृष्ण को देवकी वसुदेव ने जन्म दिया और पालना नंद और यशोदा ने, और वो नंद और यशोदा कौन से कुल के थे? यदुवंशी। जो यदुवंशी है यादववंशी वो सारे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म के यादव। बाप कहते हैं, अब एक बाप को याद करना है,
कृष्ण को याद नहीं करना है, कृष्ण को गीता का भगवान बना दिया है। अगर कृष्ण को गीता का भगवान बुद्धि में बना करके रखेंगे, बुद्धि चौपट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण को बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। तो बाप जैसी विशाल बुद्धि बनानी है या बच्चा बुद्धि बन करके रहना है? बाप जैसी विशाल बुद्धि बनेगी तो विश्व की बात चाहिए। विश्व की बात चाहिए लेने के लिए ज्ञान सूर्य बाप सदैव याद रखना है। ज्ञान सूर्य सबका भला करने वाला है। क्या चंद्रमा से पृथ्वी वालों की नजदीक है, सब ग्रहों के लिए रोशनी देने वाला नहीं है, और वो रोशनी देने वाला है भी नहीं, क्योंकि उसकी अपनी रोशनी होती नहीं। किससे लेता है? सूर्य से रोशनी। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है और दूसरे ग्रह भी रोशनी लेते हैं, सूर्य से रोशनी है। तो फिर किसको याद करना चाहिए? डायरेक्ट सूर्य को याद करे ना। हनुमान के भगत है, हनुमान को याद करते हैं। हनुमान किसको याद करते? राम को याद करते। फिर राम किसको याद करते हैं? शिव को याद करते। तो फिर ये बीच वालों को क्यों पकड़ना? डायरेक्ट पकड़ो ना। लेकिन डायरेक्ट भी पकड़ तब होगी जब रूहानियत को धारण करे। आत्मा रूपी सुई की जब पूरी कट नहीं उतरी है तो डायरेक्ट बाप से पूरा परिचय और संबंध नहीं होता, संबंध नहीं जुटेगा, जानकारी भी पूरी नहीं होगी। जितना जितना नजदीक आते जा रहेंगे उतनी उतनी ज्ञानी हुआ आत्मा बनेगी। ऋषि मुनि तो नजदीक नहीं थे, किसके? बाप के। वो जानते ही नहीं थे, उस समय बाप आया ही नहीं था। अभी तो ज्ञान सूर्य बाप की सृष्टि पर आया हुआ है, आया हुआ है और अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कितने हैं अपने बच्चे जो रूह बन करके रहते हैं, जो नई दुनिया में आने वाले हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। बाप आकर अपने बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनाता है या कम कलों वाला बनाता है? 16 कला संपूर्ण। के आज में जो 9 लाख आबादी होगी, 16 कला संपूर्ण होगी, वो 9 लाख सितारे कयामत के समय में सारे विश्व में रोशनी मारेंगे, चमकेंगे। वो आसमान के सितारे नहीं है, वो तो जड़ सितारे, वो धरती के चैतन्य सितारे होंगे, जो सारे संसार में रोशनी तो फैलाएंगे लेकिन अपनी रोशनी से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। क्या उस समय ब्रह्मा का दिन होगा या ब्रह्मा की रात होगी? उस समय ब्रह्मा का दिन हो जाएगा। ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा की रात जब होती है तो सितारों का प्रकाश चारों ओर होता है, क्योंकि चंद्रमा तो अधूरा होता है। अधूरा चंद्रमा है तो सितारे जागती रोशनी मारते। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में अभी क्या हाल है? बड़े बड़े महारथी जो है वो अपने ज्ञान का प्रकाश मार रहे हैं, उनके प्रकाश से लोगों की बुद्धि चौने आई रही। ज्ञान सूर्य तो रात के 12 बजे प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होना शुरू होता है तो सबको पता नहीं लगता, सिर्फ दक्षिण भारत के विदेशियों को पता चलता है। क्या विदेशी लोग सूर्य का उदय कै बजे से मानते हैं? रात्रि के 12 बजे से मानते। और स्वदेशी लोग नहीं, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय से दिन की शुरुआत मानते हैं। इस बात की परंपरा कहां से पड़ती है? संगम युग में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है, उत्तर भारत की आत्मा जागती है। तो एक गोरखपुर है,
कौन सा पुर गौ रख रख मन रक्षा करने वाले गौओं की रक्षा करने वाले या उनका भक्षण करने वाले रक्षा करने वाले बिहार में और उड़ीसा में एडवांस करने से पहले मेरे कन्याएं सरेंडर भी हुई फिर उन्होंने ऐसा ज्ञान चलाया ऐसी राजयोग की उल्टी पढ़ाई पढ़ाई वो सारी कन्याएं वापस बिहार होगी सर बोल गई खोपड़ी उल्टी हो गई उन गुरुओं गुरु बनकर के एडवांस प्रणाली में बैठे उन्होंने उन गौओं की रक्षा की या भक्षण कर लिया भक्षण करके रख लिया तो आज भारत में सबसे जास्ती बुरी हालत गरीबी कौन से स्टेट में बिहार उड़ीसा बिहार से भी ज्यादा उड़ीसा में क्योंकि बिहार में तो फिर भी फिर भी 4 लाख आदमी बैठा हुआ है कौन लालू प्रसाद यादव उड़ीसा में रेल मंत्री तो नहीं है ये कोई पता नहीं है क्या उड़ीसा में तो रेडी आए थे एक बार राष्ट्रपति बन के उसके बाद अभी कोई नहीं उड़ीसा में और बिहार में इतनी गरीबी क्यों हुई क्योंकि ज्ञान रत्नों को मिसयूज किया तो जो जो यहाँ ज्ञान रत्नों को मिसयूज करेंगे उनका उल्टा अर्थ निकालेंगे और अपने स्वार्थ का पोषण करेंगे अल्पकाल के लिए वो जन्म जन्मांतर गरीब आत्मा बन जाएंगे ज्ञान रत्न जो है मुरली में बोला है यही स्कूल रत्न बन जाते जो यहाँ जितना ही ज्ञान रत्नों का साहूकार बनता है वो जन्म जन्मांतर प्रेषक जन्म उतना ही स्कूल धन का भी साहूकार बने चाहे राजा बनकर के बने और चाहे प्रजा बनकर के बने धन उसके पास जरूर रहे तब अगर यहाँ मिसयूज न करें तो होता है ना ज्ञान के बहुत से पॉइंट्स को हम अपने स्वार्थ में ढाल करके दूसरों को उल्टी पढ़ाई पढ़ा देते हैं अंदर से जानते भी हैं हमने ये गलत किया दिल मानता नहीं दूसरों को प्रभावित जरूर करते अपने बाप कहते हैं मैं सत्ययुग स्थापन करने आया हूं क्या सत्ययुग स्थापन करता हूँ और मुझे सत्य बाप कहा जाता है दूसरे धर्म के लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ भगवान सत्य को कहा जाता है तो कैसे बच्चों को पसंद करता हूँ सत्य दिल पर साहब राजी सत्य दिल पर साहब राजी होगा झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा अगर अंदर अंदर चालाकी भरी हुई है गौरवों ने क्या किया अपना करना मानना धन जुए में लगाया लगाया ना और पांडवों ने भी अपना करना मानना धन समय संपर्की संबंधी जुए में लगाए द्रौपदी को दाव में रखा ना गौरवों ने क्या चालाकी की अपना तो अपनी मुट्ठी में रखा ही और कौरवों का भी अपनी मुट्ठी में तो वो पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में करिए अपना अपनी मुट्ठी में तनबंधन और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में तनबंधन ऐसा जो करने वाले हैं वो सच्चा जुआ खेल रहे हैं या झूठा जुआ खेल रहे हैं शास्त्र में तो लिख दिया भगवान ने जुआ खिलवाया वो जुआ बाहर की दुनिया की तरह कोई स्थूल जुआ है या ज्ञान का जुआ है ज्ञान का जुआ है ईश्वरीय ज्ञान में चल करके
ईश्वरीय बाप का बच्चा बन करके जो अपने तन को मन को धन को समय को संपर्क को संबंधियों को पूरा अर्पण कर देता है ईश्वरीय ज्ञान के लिए, परवाह नहीं करता, उस सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा। ऐसा झूठा दिल सरेंडर हुए हैं ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को देने के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और अपने मेहरबानी आचार्य अपने नाम से बनाते चले जा रहे हैं, तो झूठा दिल हुआ है सच्चा दिल हुआ। मुरली में तो बोला हुआ है अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी, क्या प्रॉपर्टी बनानी ही नहीं है, अभी तो विधान सामने खड़ा है, प्रॉपर्टी बनावेंगे तो साफ धर्म हो जाएगी, कुछ किसी का नहीं बचने वाला था, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोट का, किसकी आग जलाए, ये चार अंजाम होने वाले हैं। लेकिन स्वार्थ पर बुद्धि हो जाती है तो झूठ को ही पकड़ लेते हैं, देवहान के आधार पर चल पड़ते हैं, बाप की बात आधी याद रहती है आधी भूल जाती है। तो बाप का सच्चा बच्चा बनना है, बाप को धन नहीं चाहिए, क्या बाप को धन नहीं चाहिए, अरे जो झूठे झूठे संप्रदाय हैं, नितांत झूठे ज्ञान फैला रहे हैं, उनको भी कितना धन मिल रहा है। तो यहाँ तो सच्चा ईश्वर है, सच्चा ईश्वर ही ज्ञान दे रहा है, यहाँ धन की कमी पड़ सकती है क्या? नहीं पड़ सकती। क्या तो दुनिया में विनाश बरपा होगा, अकाल पड़ेगा, लोगों को एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, ऐसे अरब देश में पानी नहीं मिलता है। यही बाबा राशन पे जो है दक्षिण भारत में चालू हो गया है। हाँ जी, और रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा खाने के लिए, नोटों की गट्टियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी, कोई पूछेगा नहीं, इतनी करेंसी की वैल्यू गिर जाने की, अभी भी रुपए की है वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती है 15%, तो सरकार ब्याज देती है 5%, तो 100 रुपए की नोट की वैल्यू अगले साल कितनी रह जाती है? हर साल कम होगी या बढ़ेगी? कम होती है। बाप को सच्चे दिल के बच्चे चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसे की कोई वैल्यू नहीं, अभी सबसे ज्यादा की वैल्यू है समय की, क्या समय, ये सबसे ज्यादा की वैल्यू समय की है। इस टाइम पर जबकि मन के प्रत्यक्ष होने वाले हैं, चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, कोई का राक्षसी चेहरा प्रत्यक्ष होने वाला है, कोई का दैवी चेहरा प्रत्यक्ष होने वाला है, इस टाइम जो ईश्वरी है सेवा में कितना जाति से जाति समय देगा, उन सेवाधारी बच्चों को बाप विशेष याद करे, जिनको बाप भगवान याद करे, दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान स्वयं सेवन बच्चों को याद करते, बच्चों को नहीं अपने स्वयं सेवन बच्चों को याद करते, तो जिन स्वयं सेवन बच्चों को बाप याद करते हैं वो बच्चे कितने श्रेष्ठ भाग्यशाली, बच्चों की वैल्यू हुई या उनके धन की वैल्यू हुई? बच्चों की वैल्यू। ओम।